रण क्षेत्र से निकल जाने के बाद निर्वाण के सैनिक अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ गए। मुगल सेना में जब भय फैल गया, उन्हें लगने लगा कि ये शायद निर्वाणी सैनिकों के तीरों का निशाना बनने लगे। उन्होंने ऊंची ऊंची दीवारें बनाई और उनके पीछे छिप गए। युद्ध अनेक रहा, मान सिंह का मान चूर चूर हुआ, झुका हुआ सर लेकर लौटा। युद्ध के परिणाम से नाराज दत्तों ने मान सिंह से मिलने से इनकार कर दिया। महाराणा इस युद्ध के बाद जंगल में रहने लगे। उन्होंने जंगल में रहकर अपनी सैन्य शक्ति को सुगठित किया। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े और उनके कष्टों को देखकर कवि की कल्पना जाग उठी। और इस कल्पना में कवि ने राजकुमार अमर सिंह को नन्हे बालक की तरह देखा। अरे धाचरी लोटी गदबल मिला डोले बाजो डालो तो रोटी पर खाना तो यो तुक जागो तू लड़ो खड़ो सयो खड़ो बीवारी
Thank you.